For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जीतू भाई कैमरा एलसीडी आ रही है सामने सर पिक्चर लो थैंक यू अभी नहीं बोलेंगे सर सेंटर सर इधर सामने दो जी 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 सर 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 हाँ अरे अरे सर सामने चलिए दोनों अगली फिल्म जी यहाँ पर सामने सेंटर सर इधर Excuse me. Excuse me. Sir, center row, both of you. Center. Mister, I'm taking. Thank you. Yes, sir. One more. यहाँ पे ऑन योर राइट सेंटर प्लीज योर लेफ्ट विवन सोलो थैंक यू
कर रहा है कर ले रेमुनरेशन का नहीं कर रहा जब के हां कभी कोई कोशिश करता नहीं और करते हैं तो बहुत कम लोग तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बार ये कोशिश कर सकूं वो भी अपने शहर में रह के जहाँ पे एक साफ़ सुथरी प्यारी सी फिल्म है इतनी सी भी वल्गैरिटी नहीं है कुछ नहीं है एकदम फैमिली मज़ेदार पिक्चर है और एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो साफ़ सुथरी हो कुछ पुराने स्टाइल की हो जैसे लेट 70s में बनती थी बस ये मन था और ट्रेलर लॉन्च हो गया तो बहुत खुशी एक जर्नी होती है हर फिल्म की बहुत वक्त लगा इसको बहुत वजहों से तो यहाँ तक पहुँच गई सबसे ज़्यादा खुशी एक डायरेक्टर को ही होती है कि उसकी फिल्म यहाँ तक पहुँच जाए और लोग पसंद करें और देखें और फिल्म पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बिक चुकी है आई थिंक अमेजोन पे अमेजोन प्ले पे अमेजोन ही है उसका नाम उस पर अमेजोन प्राइम पे सॉरी उस पर आएगी ये फिल्म 4 महीने बाद थिएटर रिलीज की तो उसको एक उसकी लाइफ भी मिल गई जहाँ तक वो सही लोगों तक पहुँचेगी या जैसा मैंने बताया ना कि मेरे पापा हैं लखनऊ के डॉक्टर हैं आई सर्जन हैं मेरी माँ है वो कानपुर की हैं तो वो एक हमें जो घर पे ही दिखता था हालांकि उन लोगों में बड़ा आश्चर्य मुझे कभी झगड़ा नहीं होता बट बातें दोनों हमेशा उल्टी करते हैं आज तक तो मुझे लगता था बड़ा कमाल है हाँ मेरे मामा मामा से उनका बहुत झगड़ा होता था तो वो लोग आप तम्बाकू खाए बिना बात नहीं करेंगे कानपुर वाले अपना पानी दुकान में खड़ो के सारी राजनीति हो जाती है सचिन को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए वो भी पानी दुकान में आ जाता है मोदी जी को देश के लिए क्या करना चाहिए वो भी हो जाता है तो जो एक बड़बोलापन है वहाँ का बहुत बोलने की आदत तो वो और उसके बाद भी लोग बड़े ही अंदर से बड़े ही डरपोक टाइप के होते हैं तो मुझे उस तरह की जो एक बड़ी बारीकियाँ थी छोटे शहर की मुझे वो दिखाने का बहुत मन था तो या मेरा बहुत कुछ मैंने ड्रॉ किया मतलब इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म में मेरी लाइफ से और मेरे आस पास के लोगों से फिर मैं बताऊँगा तो मतलब सुबह हो जाएगी बहुत सी चीज़ें बहुत सी किरदार के बारे में मेरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि विशाल सर खुद कानपुर के हैं मैं इस फिल्म के पहले कभी कानपुर लखनऊ यूपी में कहीं पर भी नहीं गई थी तो हमने मैं और कुणाल ने दोनों ही विशाल सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड की और वो बहुत ही क्लियर थे कि वो इन दो कैरेक्टर्स के पीछे जो भी उनके विचार के पीछे उनके मतलब बोलने के तरीके में उनके सोच विचार में इंटेंशन क्या है हिस्ट्री क्या है वो बहुत ही क्लियर थे तो वो सब जब इन्होंने बताया और एक और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो तैयार थे हमें शूट के पहले वहाँ ले जाने के लिए तैयार थे तो हम लोग एक्चुअली शूट के पहले कानपुर गए थे और हम लैंड होते ही हम लोग मिठास गए जो सॉरी अच्छा मिठास गए जो कानपुर में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे तो बैठ के हमने फुल ऑन कानपुरिया खाना खा के फिर दो तीन दिन वहाँ रेकी वेकी के टाइम पे मैं विशाल सर के साथ ही थी तो वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो बोलने का तरीका वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं उनमें एटीट्यूड कैसा है वो सब देख के फिर आई थिंक बहुत ही फ़र्क पड़ा तो हम लोग बहुत लकी थे कि सबके पास टाइम था विशाल सर ने हमें इतना मतलब समय दे के फिर हम लोग शूट करने गए तो हम लोग बहुत लकी थे क्योंकि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है प्रेपरेशन करने के लिए लेकिन हमारे पास वो था इस तरह के एक्चुअली ऑनेस्टली मरुधर टाइप का कोई लड़का हो ही नहीं सकता है एंड आई थिंक सारी जो लड़कियां हैं मरुधर से मतलब दे फॉल इन लव विद मरुधर आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर आई नो विशाल सर को जानते भी है कि मैं तो बार बार उनको मैसेज भी आज तक भेजती हूँ कि आई लव मरुधर वो कैरेक्टर इतना प्यारा है आई थिंक गर्ल्स आर गोना गो मैड बिकॉज ही इज जस्ट सो प्योर तो अभी तक लाइफ में देयर इज ओनली वन मरुधर एंड दैट इज मरुधर इन द फिल्म तो या नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बोलता हूँ हमेशा इंटरव्यूज में मैं कभी झूठ नहीं बोलता तो बहुत अजीब गरीब चीज़ थी कि कुणाल राय कपूर को हम मिले थे कोई चीज़ के लिए मैं मिला था एक फिल्म के लिए वो फिल्म शुरू हो ना हो मुझे पता नहीं था तो मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था मैंने कुणाल को बोला तो कुणाल से दोस्ती अच्छी होगी तो बोले आप फिल्म करते हैं तो कुणाल तो एक तरीके से फर्स्ट चॉइस थे आप कह सकते हैं बट मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से कि क्योंकि शबीना खान जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं गब्बर राउडी राठौड़ की बसाली सर के साथ उन्होंने मुझे कुणाल जी को दिलाया था बेसिकली उन्होंने मिलवाया था तो मुझे बड़ा डर था हाँ तो बोल दिए इस कानपुर का कैसे लगेगा साउथ बॉम्बे का लड़का और ये दिल्ली दिल्ली टाइप का और ये नौटंकी साला बड़ी मॉडर्न फिल्में की हैं तो बहरहाल वो एक डर था लड़की हम ढूंढ रहे थे कि मैं भाई कानपुर लखनऊ की लगने वाली एक लड़की चाहिए
तो उसमें जितना भी आप बॉम्बे में लड़कियाँ अगर आप जैसे अगर आप ऑडिशन करो या आप लोगों से मिलो तो आपको सब एक जैसी जिम जाने वाली, एक जैसी फिट, एक जैसी वो सब मॉडल्स वन ऑफ एक्ट्रेस मिलती हैं, तो कोई ऐसा कोई पैकेज था नहीं। तो मैं एक और कोई एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं कोई मतलब नहीं है, अच्छा हुआ नहीं मैंने उन्हें लिया, रियली लकी उनकी आ चुकी हैं अभी दो तीन फिल्में। तो ऑलमोस्ट मैं उनके साथ काम करने को तैयार था, सब हो गया था ऑलमोस्ट रेडी द कॉन्ट्रैक्ट। और उस दिन किसी वजह से इनके जो सारा इनका काम देखते हैं कुणाल एम शाह, तो वो मेरे बहुत अच्छे और बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्त क्या हमारे साथ के ही हैं, जब मैं फिल्म क्रिटिक होता था तो वो भी फिल्म क्रिटिक ही थे और वो मेरे बहुत पहले से हैं। तो मैं कुणाल को फ़ोन किया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे ज़रूरत है, वैसे मुझे एक पसंद आ गई कहने के लिए, वहाँ मत जाना, अरे बहुत गड़बड़ है मामला, तो बहुत बहुत परेशान करेगी शूट पे। तो मैंने कहा फिर कौन, तो देन तारा वॉकड इन एंड आई थिंक आई मेट तारा ट्वाइस प्रॉबली फॉर वेरी ब्रीफ टाइम, शी डजंट स्पीक मच, शी इज़ वेरी फॉर्मल सो एंड बट इनका मेरी फिल्में देखी हुई थी, एज ए क्रिटिक मैंने रिव्यू की हुई थी दोनों फिल्में, लव गेम्स और मस्तराम, तो मुझे आइडिया था कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। बट जब मैं इनसे मिला तो मैंने बताया कि इस तरह की फिल्म है, बट मैं ऑन सीरियस नोट बोलना चाहूँगा तो तारा वॉज एग्जैक्टली द सेकेंड चॉइस एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट चॉइस, बट आई थिंक शी इज द प्रोबेबली ओनली एक्ट्रेस, आई हैव डन फोर फिल्म्स विद फाइव सिक्स एक्ट्रेसेस, शी स्लीप्स एट 10, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल, शी डजंट एंटरटेन इवन डायरेक्टर एक्टर एनी वन, तो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की और बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। सब कुछ फिल्म, आई थिंक एक्चुअली जब विशाल सर ने पहली बार मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी थी तो मैं फिर भी ये फिल्म देखती। तो आई थिंक इस फिल्म में जो विशाल सर कह रहे थे ना, जो छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं, जो एक मतलब बहुत ही प्यारे जो मोमेंट्स होते हैं वो आप हर फिल्म में नहीं देखते, जो प्यार के जो अजीब अजीब मोमेंट्स होते हैं, तो मरुधर एक्सप्रेस में मतलब ये मोमेंट्स भरे पड़े हैं। तो आई थिंक ऑडियंसेस विल लव इट, अगर आप आपको रोमांस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, कुछ भी, दिस फिल्म एज इट ऑल एंड आई होप दैट ऑडियंस इज लविंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।